अंदर कर ले, जाओ यहाँ से अंदर कर ले। मैंने कहा ना चला जा, चुबो दियो नाको। हाँ चला जा, नहीं जाऊंगा। चला जा यहाँ से, तेरे बाप का नाम। नहीं चला जा, नहीं तू जा यहाँ से, तू चला जा यहाँ से। मैंने कहा ना तू चला जा यहाँ से, तूने तो गिर गया मेरी नजरों में, चला जा। तो नहीं है उस लायक की तुझसे लड़की प्यार करे। तू एक बात, एक हाँ तो बस सिग्नेचर कर दियो, बात खत्म। मैं तेरे को पेपर दे दूंगी, एक फोटो कॉपी तेरे पास रहेगी, एक फोटो कॉपी वकील के पास रहेगी। ऐसा दिमाग किसने दिया? वकील से लिया है। चीज को लेके नहीं करवा रही मेरी फिटनेस को लेके, मैं इस चीज को लेके करवा रही हूँ कि फ्यूचर में अगर तू अलग हो मैं अलग हूँ तेरे से, तो आगे जाके तू मेरे से दिक्कत खड़ी नहीं कर दे। मैं क्यों करूंगा? भाई पहले मैंने लिखवा रखा अगले बंदे से कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं अलग हो रही हूँ, बात खत्म। अच्छा ठीक है, मैं तो मैंने वकील से भी बात करी है, उसने मुझे कहा है कि ना आप बस पूछ लो सामने वाले से कि वो साइन कर देगा, बल्कि मैं एक सर्टिफिकेट बनवा रही हूँ, उस पर बस तुम्हें साइन करना है और कुछ नहीं है। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। एंड आज ना मैं ऐसा करने वाली हूँ वीर सम्राट के साथ में, मतलब एक ये प्रैंक भी है और इसमें कुछ रियलिटी भी है। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं इसलिए डाल रही हूँ यूट्यूब पे बना के, वीर सम्राट को मैंने बताया नहीं है, मैं उसको ना एंड में बताऊंगी, ताकि उसको ना पहले तो बहुत बुरा लगेगा कि सोनिया मेरे साथ ऐसा कर रही है। और ये वीडियो ना बहुत सी लड़कियों के लिए भी है और कपल्स के लिए भी है, जो बहुत से लोग यूट्यूब पे काम करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो आज का प्रैंक बहुत ही यूनिक होने वाला है, तो सबके काम आएगा, वीर सम्राट के तो बहुत ज़्यादा काम आएगा फ्यूचर में जाके। एंड जो कुछ भी होगा आप लोग वीडियो में जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पर वीडियो पूरी जरूर देखना ताकि आप लोगों को समझ जाए कि वीडियो में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्यों क्यों मैं आ नहीं सकती? तो मैं नहीं आ सकती क्या? कौन बोल रहा है आने के लिए मेरी जान? क्या हुआ? क्यों मैं ऐसे पकड़ के खींच रही हूं? क्यों खींच नहीं सकती? लड़के बिना लगते है बस स्क्रब करा मैंने। लड़के नहीं लगते, सिर्फ तू ही लगता है मेरे को तो, क्योंकि मेरी नजर तेरी तरह लड़कों पे नहीं जाती, तुम्हारी नजर तो लड़कियों पे जाती है, खूबसूरत पे, फिटनेस पे, तो मेरी नजर से तुम पे ही लगती है। ठीक है, मेरे पे रखना, किसी और पे रखना भी मत। लेकिन तुम तो हर किसी पे नजर डालते फिरते हो यार। हमारी बात अलग है। क्यों? तुम्हारी बात अलग नहीं है, तुम एक लड़की पे कायम नहीं रहते हो ना। हम लड़के हैं ना, तुम एक लड़की पे कायम नहीं रहते हो ना, तुम्हारी ये बात है। सही है, ऐसे ऐसे हिलजुल हिल रही है फालतू में, बिना हवा चल रही है। हां हवा तो मेरे को ही पता चल रही है। अच्छा और बताओ, तू क्यों बुलाई? बोल मेरे को, क्या अर्जेंट बात करनी थी तेरे को फोन पे? मुझे फोन पे ही बात कर लेती, मुँह आ जाए तो बट अजमेर। पर तुम आ जाते तो कोई और वो नहीं आ पाता ना इतना दूर। पर फिर बाद में तेरे को गोलगप्पे खिलाता भूखी को, वो बेलपुरी खाने के लिए बोली थी ना कल, तू मेरे को आपने मेरे को खिला। देख ना तेरी गलती थी कल, मेरी बिल्कुल भी 1% गलती नहीं थी, बारिश आने के कारण तेरा ही था और तूने लेट करा था। मैंने तो बोला तू आराम से सो जाए के लिए। अच्छा खैर चलो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ चलो पूछो, कोई बात नहीं, खैर पूछती हूँ, पूछना तो। मैं ये कह रही थी देखो, फ्यूचर में आगे जाके मुझे भी पता नहीं है ना तुम्हें पता है, कि अपन आगे जाके फ्यूचर में साथ रहें या अलग हो जाएं, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि या फिर तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाए या फिर तुम मेरे अंदर कोई खामियां ढूंढ के मुझे छोड़ दो। तो मैंने ना इस चीज़ का एक सोल्यूशन निकाला है। देखो बल्कि देखो कल को आगे जाके देखो, मैं भी व्लॉगिंग वगैरह भी, तुम्हें पता है तुम मुझे कहते हो कि ये चैनल तू संभाल ले, तो आगे जाके कल को मैं अगर इन चीज़ों में निकल गई, मैं आगे निकल गई, मेरे को ऐसा फैम मिलने लग गया जितना तुम्हारे को मिले हुआ है, ठीक है, तुम भी कहीं निकल जाओगे, तो फिर ऐसे आगे जाके देखो प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब तुम भी किसी भी लड़की के साथ में शूट कर लेते हो तो आगे जाके तुम्हारे को दिक्कत भी हो सकती है इन चीज़ों से। किन चीज़ों से? कि भाई किसी लड़की के साथ अगर तुम शूट कर रहे हो तो वो लड़की कल को तुम्हारे को फंसा दे कर दे। अच्छा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे एक सर्टिफिकेट पे साइन करवा लूँ। क्यों? उस पर लिखवा रही हूँ मैं ये चीज़ें कि देखो मैं इसके साथ में अपनी मर्जी से रहती हूँ, इसके साथ मैं व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ अपनी इच्छा से करती हूँ, हम लोग अपनी इच्छा से वीडियो वगैरह डालते हैं। कल की देखो तुम भी किसी भी लड़की के साथ में तुम शूट कर लेते हो, तुम्हें प्रैंक करने की नीड रहती है तो तुम किसी भी लड़की पे प्रैंक कर लेते हो, तो ऐसे तुम किसी लड़की से ऐसे नहीं कर सकते ना, कल को लड़की तुम्हें फंसा दे कर दे तो।
अच्छा इतनी आगे की कैसे सोच रही है? सोचना पड़ता है तो मैं ना यार तुम पे साइन तो आगे की आगे सोचूंगा ठीक है मैं तो को... मैंने वकील से भी बात करी है, उसने मुझे कहा है कि ना आप बस पूछ लो सामने वाले से कि वो साइन कर देगा, बल्कि मैं एक सर्टिफिकेट बनवा रही हूँ उस पर बस तुम्हें साइन करना है और कुछ नहीं है। पढ़ूंगा मैं पहले उस पे क्या है? पढ़ना क्या है तेरे को, बस यही तो लिखवा रहा है मैं। हाँ ठीक है पढ़ लियो तेरी इच्छा, अगर तू पढ़ना चाहता तो ऐसा कुछ मैंने लिखवा नहीं रखा है। देखो आगे जाके ना तुम कोई दिक्कत मेरे पे खड़ी कर सकते हो ना कोई दिक्कत मैं तुम पे खड़ी कर सकती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम मुझ पे आ रही है तो साफ लिखे हुआ है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में आई तो तेरी प्रॉब्लम तेरी रहेगी, मेरी प्रॉब्लम मेरी रहेगी। अच्छा हाँ सही है। हाँ ताकि आगे जाके ये ढोंग नहीं रचो तुम कि सोनिया ने ये मतलब, कर दिया मतलब तूने ये सोच लिया आगे जाके अलग होना है। हाँ मेरे को पता होंगे वैसे भी। सही जा रहे हो? सही जा रही हूँ, पहले गलत जा रही थी अब थोड़ा सही जाने लग गई। दिल की बात छीन ली तुमने तो। क्या बात कर यार, छीननी पड़ती है ना। मैं तो खुद अलग होना चाह रहा था पता है मुझे। एक रेप पड़ गई ना तो अभी करा दूंगा सिग्नेचर घुमा के। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ यार इधर खड़ी है सामने आके मेरे पास। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ जो भी ये बता रही हूँ तेरे को। क्या बोली सिग्नेचर करूँ तेरे मुँह पे? कर दू सिग्नेचर? नहीं मेरे मुँह पे नहीं करने, उन पेपर पे करने। एक बार पढ़ लियो। पढ़ लियो मैं कोई सिग्नेचर नहीं करने वाला। पर मैं तो करूंगी, देख मैं ना कोई रिस्क नहीं ले सकती तेरे को लेके। तू प्यार नहीं कर हमारा? प्यार की बात अलग है, लाइफ की बात अलग है। एक बार लाइफ खराब हो जाती है ना लड़की की तो दोबारा वो इमेज नहीं बनती। लड़की जो लाइफ खराब करती है लोगों की? करती है, मैंने नहीं करी है ना तेरी। लड़कियां करती उनको लालच आ जाता किसी चीज का या फिर उनको रिश्वत मिल जाती है कहीं ना कहीं से। अभी तेरे को पता ही है प्रॉब्लम हुई है थोड़े दिन पहले। हाँ तो हुई है तो देखो तुम्हें खुद को पता है कि प्रॉब्लम किस साइड से हुई थी किस साइड से नहीं हुई थी। लड़की की तरफ से हुई थी। हाँ तो बस ना भाई तो है। मेरे को तुम पे विश्वास है, बात खत्म। और वैसे भी पूरी दुनिया को पता है कि हाँ भाई वीर सम्राट की गर्लफ्रेंड सोनिया है। लोगों को तो ये चीज पता, लेकिन तुम्हारे को तो कुछ अलग ही रहता है ना। क्या तुम्हारे को तो कहीं और ही रहना होता है, किसी और की खोए हुए रहते हो, किसी और के गीत गाते रहते हो एनी टाइम। कब गाया मैंने? जैसे मोटी हो गई है तू ये कर वो कर, तेरा पेट बांधेगा ये पेट बांधेगा। तो मेरे फिटनेस पे इतना क्यों जाते हो तुम? क्यों अंदर कर इसको? नहीं कर रही। अगर तुम्हें मेरे शरीर से प्यार है तो फिर मेरे फिटनेस पे ध्यान। अच्छा, मत दो। तुम मतलब भास बन जाए कोई दिक्कत नहीं है? कुछ भी करूं मैं, कुछ भी करूं तेरे को इतनी वो हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। मेरी बॉडी कैसी भी हो, मोटी हो, मतलब इस चीज को लेके सिग्नेचर करवाएगी तू? हाँ बस। नहीं मैं इस चीज को लेके नहीं करवा रही, मेरी फिटनेस को लेके। मैं इस चीज को लेके करवा रही हूँ कि फ्यूचर में अगर तू अलग हो मैं अलग हूँ तेरे से तो आगे जाके तू मेरे लिए दिक्कत खड़ी नहीं कर दे। मैं क्यों करूंगा? भाई पहले मैंने लिखवा रखा अगले बंदे से कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं अलग हो रही हूँ, बात खत्म। अच्छा आगे जाके तू किसी के साथ वीडियो बनाए तो मैं सोशल मीडिया पर डालूंगी कि गाइस वीर ने मेरे को चीट किया है, वो किसी और लड़की के साथ में अभी देखो घूम रहा है फिर रहा है, उसको लाइफ में वो आगे बढ़ रहा है और उसने मेरी लाइफ खराब कर दी। कल को ये नहीं वर्ड मैं किसी और को बोलूं या सोशल मीडिया पे बोलूं ये चीजें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि लिखवा ही लेते हैं दोनों अपनी रजामंदी से लिखवा रहे ना यार। वाह सोना वाह, वाह सोना वाह, किसने दिया ऐसा दिमाग तेरे को? ये दिमाग मेरे अंदर खुद आया, बल्कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अभी यूट्यूब पे देखा है, इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, आए दिन लड़की लड़के पे को लड़के को फंसा रही, लड़का लड़के को फंसा रहा है। तो मैं सोचू कि अपन दोनों एक दूसरे को फंसाएंगे नहीं, अपन खुद ही एक दूसरे का जो भी है मुंडा पे। क्या है तू बिल्कुल गंवार ही है, क्या वर्ड यूज करता रहता पोइटे पोइटे? इतने आगे की सोच रही है? मैं तो सोच के चलती हूँ, मेरी जिंदगी खराब नहीं करानी है, बस बात खत्म। तूने सोच लिया मतलब अपने दोनों का ब्रेकअप होगा? हाँ आगे जाके होगा, और इसलिए होगा बल्कि तुम्हें कोई तुम्हें लड़कियां फिट पसंद है। फिट मतलब, पसंद है? वाह रे वाह, मेरे ऊपर डालते सारे डोरे। हाँ तो अभी रापट के पढ़ ली फालतू मेरा दिमाग खराब करी तो। हाँ तो यही रीजन है अपना अलग होने का, बल्कि अपनी नहीं बनती है दोनों की यार। अभी आज मतलब लड़े किसने करी? नहीं बनती है अपनी, नहीं बनती है। सुबह सुबह काम करने के लिए तेरे को बोला नहीं बनती है? नहीं बनती है, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मेरी नहीं बनती है, बस बात खत्म तुझसे। और ऐसे ही रहना फ्यूचर में कभी आगे नहीं बढ़ सकता तू मेरे साथ में, मैं तो अभी कह रही हूँ। बल्कि तू लोगों को वैसे ही कहता रहता है, मैं किसी के सामने जैसे पूछती हूँ तो तू कहता है तेरी वजह से तो मेरी जिंदगी खराब हुई है। मैंने कब बोला ऐसा? क्यों कब बोला? मैं पूछती नहीं, कब बोला? पूछती नहीं हूँ, कब बोला? पूछती नहीं हूँ, कब बोला? छत पे बैठा था जब तुझसे पूछा नहीं था मैंने। क्या पूछा? तेरे बारे में, तेरी लाइफ के बारे में। तो तूने क्या बोला? हाँ। आधी जिंदगी तो तूने खराब कर रखी ऐसा है। बोला मैंने? तो क्या बोला था तूने? मैंने क्या बोला? तू बता दे, तू तेरे मुंह से बोल के बता। तो फिर अपने मुंह से तू बोल के बता। नहीं, तू बता ना, तूने सुना तो? मैंने तो सुना, तो सुन लिया। तेरे बाप की सगन मैंने ऐसा बोला क्या? बस तूने बोला जरूर था। क्या बोला? तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई। ऐसा बोला था? तेरे बाप की सगन खा जा। क्यों कहूं? अगर मैंने ऐसा बोला तो वो आज का आज ही मर जावे। तू तो मेरे बाप को मारना ही चाहता है आगे पीछे। मेरा बाप तो तेरे खटक रहा है ना, खटक रहा है मेरा बाप तेरे, हट जा यहाँ से। नहीं, अगर मैंने ऐसा बोला ना पूरा, अगर मैंने पूरा ऐसा बोला ना कि भाई तू मेरी लाइफ में आई तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, तो तेरा बाप आज का आज ही मर जाए। क्या हाल तुम्हें यार, मेरे पर नाम लगा रही है? सही बोला मैंने तो वो अभी।
मैंने बोला ही नहीं, मैंने आधा ही बोला। नहीं मैंने तुझसे पूछा था कि देख देखो आज चार साल से दिमाग मैंने दिया तभी तेरे में इतना दिमाग है। तू दिमाग दियो मन। मैंने इसे झूठ बोला था, मजाक कर रही थी, लेकिन तू क्या सीरियस होता है और हर जगह भगवान दियो मन जो भी दियो सब कुछ है। दिमाग तो देखो मैं ही देती हूँ। तू दे दिमाग, वरना तू हर किसी को यूँ पैसे देता था जैसे तू उनके लिए कमा रहा हो। बात के लिए बात किस अभी बात कौन से मुद्दे पर चल रही थी, उस मुद्दे पर कर बात मेरे को। हाँ तो बस सिग्नेचर कर दियो, बात खत्म। मैं तेरे को पेपर दे दूंगी, एक फोटो कॉपी तेरे पास रहेगी, एक फोटो कॉपी वकील के पास रहेगी। ऐसा दिमाग किसने दिया? वकील से लिया है। ओहो वकील से लिया तू और मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं पेपर दे दूंगी, पढ़ लियो। अगर तेरे को उस चीज में तू राजी है तो ठीक है, बल्कि देख मेरे को ये चीजें तेरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि तू दूसरी लड़कियों को ताकता है, उनको देखता है, तारीफें करता है, तो ये चीजें क्या मुझे पसंद नहीं है। मैं तो क्या कोई भी लड़की अपने बंदे को नहीं देख सकती, वो किसी और की तारीफ करे उसकी बंदी के सामने, तो मैं ये चीज नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे नफरत है, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मेरे को इन चीजों से दिक्कत है। तो मैं लिखवा रही हूँ, तुम पढ़ लेना जो भी पढ़ना, तुम्हारे को जो भी उसमें लिखे हुआ होगा पेपर में पढ़ लेना, पढ़ के साइन कर देना। और कुछ रूल्स तुमको उसमें डालने तो तुम डाल लेना। बात क्या रूल्स? रूल्स भी तू ही बना रही है, सिग्नेचर भी तू ही करवा रही है, तो मैं मेरी सिग्नेचर कर रही हूँ तो तेरी इच्छा से। देखो कोई रूल्स डालने तो तू डाल सकता है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। क्या रूल्स डालूं मैं? तू क्या करना चाहता है इस रिलेशनशिप में? मेरे को तो मैं ऐसा करना ही नहीं है, मेरे को तो ऐसा करना है, मुझे करना है, ठीक है ना? अपने आप में मेरी सेफ्टी के लिए सब कुछ करवा रही हूँ, बात करता हूँ। अच्छा सेफ्टी तो मेरे को रहनी चाहिए, लड़कियाँ का कुछ नहीं होता। हाँ हम लड़कियाँ ही फंसाती है ना तुम लड़कों को, तो लड़के ही फंसते हमेशा, ठीक है ना? हाँ तो इसलिए कह रही हूँ कल को तू मुझे बदनाम नहीं करते, मैं तो सिग्नेचर करवाऊंगी। देखो करने तो कर दियो, पढ़ लियो, ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं है कि भाई मेरे को जबरदस्ती रखता है ये वो फलांगा ढिंगाड़ा पूछाड़ा, ठीक है ना? लड़की पलटने में टाइम लगता। हाँ लड़के भी पलटने में टाइम नहीं लगते, बड़ नहीं लगते। तो फालतू बकवास कर रही है मेरे सामने, तो कोई बकवास इसलिए बुलाया, दिमाग खराब करने बुलाया मेरा? मैंने तो कोई दिमाग खराब करने नहीं बुलाया तुझे, मैं भी देख मैं क्या दिमाग खराब कर रही हूँ तेरा मैं। चल ठीक है तू मुझे बता कि मैंने क्या गलत राय दी तुझे। मेरे को नहीं बनवाना। कल को तूने तेरे पास्ट में इतनी लड़कियों के साथ में तू वीडियो वगैरह बनाता है, कल को उनमें से कोई लड़की तेरे ऊपर ऐसा कोई इल्जाम डाल देती तो तू क्या करता? क्या इल्जाम डाल देगी? कुछ भी, कोई कुछ कुछ लिखवा रखा है क्या तूने उन लड़कियों से? किन लड़कियों से? जिनके साथ में भी तू शूट करता था। किनके साथ करता था शूट में? किनके साथ करता था? ज्यादा नादान बुद्धि तो बन मत, एक रेबट में सब याद आ जाएगा। सब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। आ गया ना, आ गया ना अपने खत पे। मेरे बोलता मतलब... था मुझे कि मैं तो पैड शूट करता था लड़कियों के साथ में, और आज तेरे मुंह से निकल गई ये बात कि वो सब तेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। और क्या क्या छुपा रखा है? और क्या क्या छुपा रखा हूँ? कुछ नहीं छुपा रखा। नहीं और भी कुछ छुपा रखा तो भी बता दे मुझे। नहीं तो कुछ नहीं छुपा। हाँ और सबसे रिलेशन कितने टाइम तक था? क्या बोल रही? सब एक एक महीने के लिए थी। और मैं? तू तो टिक गई, पता नहीं कैसे टिक गई, चार पाँच साल। लेकिन आगे जाके मुझे पछताना पड़ेगा मुझे पता, बल्कि तू इतनी लड़कियों के नहीं टिका तो मेरी क्या टिकेगा। ओहो बल्कि देख लड़का लड़के को अच्छी लड़की, लड़के को अच्छी लड़की मिली नहीं, लड़के ने अपना रास्ता काटा नहीं। बात शंकर जी साफ साफ बोल रहे थे हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। मेरे को इस चीज का विश्वास नहीं है कि तू कब पलट जाए, तो कब लड़की तेरी लाइफ में आ जाए। कोई लड़की तुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे मुझसे खूबसूरत हो, घर परिवार अच्छा हो, रहन सहन में लड़की अच्छी हो, तेरी बात मानती हूँ, बल्कि मैं बहुत चिल्लाती हूँ, मैं तेरी बातें मानती नहीं हूँ, तो हो सकता है तू नहीं मतलब कोई अच्छी लड़की की तलाश में हो जो मिल जाए तुझे तेरे टाइप की, बल्कि मैं तेरे टाइप की कहाँ हूँ। अच्छा मेरा और तेरा 1% भी कोई ऐसा वो है नहीं जो मिलता जुलता हो। ठीक है अच्छी लड़की मिलते ही वैसे तुम निकल जाओगे अपने रास्ते, मैं जानती हूँ तुम्हें। तुमने बहुत बार मुझे कह रखा कि ऐसे अगर तुम ऐसे लड़ेगी तो मैं कभी तेरे साथ नहीं रहूंगा आगे जाके। तो लड़ वाली छोरी के साथ कौन रहे? हाँ तो बस कोई नहीं रहे। हाँ तो इसलिए कह रही हूँ लिख ले, कल को तुझे दिक्कत ना हो, कल को कह दे तू पलट गई, तूने मेरी लाइफ खराब कर दी, ऐसा तू मुझे बोलता फिरेगा। तू फंसाएगी इसका मतलब आगे जाके? मैंने ये नहीं कहा तुझे। तो फिर बस मैं अपने रास्ते अलग करूंगी आगे जाके। अच्छा तुम तुम्हारे रास्ते अलग करोगे कैसे? मतलब ये जैसे अजमेर से अपन अजमेर से पुष्कर आते हैं तो तू मतलब घाटी के इधर से रास्ता बनाएगी अलग से? तेरे पापा को बोल के नया ब्रिज बनवाएगी पापा? हाँ ये बता। हाँ रास्ता सिर्फ एक ही होती है, ठीक है ना? चलना सबको पड़ता है, ठीक है ना? पर चलना भी उस इंसान के साथ में पड़ता जो अच्छा हो, हिसाब से रूल्स के साथ, ठीक है ना? हाँ तेरे साथ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। तेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं चलना मुझे। ओह मेरे साथ नहीं चलेगी? किसके साथ चलेगी? तेरे बाप के साथ? हाँ
पापा हाथ पकड़ के लेके चलो ना इधर पहाड़ में रास्ता बनाते हैं। मैं साथ चलूंगी पर तेरे साथ नहीं चलूंगी। मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है कि तू कब पलट जाए। तू आ 3 साल से रेडी है, तेरे को अभी तक विश्वास नहीं हुआ मेरे पे। मैं तुझे समझ ही नहीं पाई 3 साल से। तो फिर क्या मतलब मेरे साथ रहने का? छोड़ दे, यही तो कह रही हूँ। ब्रेकअप छोड़ तो नहीं सकती। जा तो बातें से करनी है 3 साल में। मतलब क्या मेरे साथ ऐसी तीसी करवा रही क्या? ऐसी तीसी करवा रही थी मैं तेरे साथ में रह के, समझ गया। जानना चाहती थी तुझे। क्या जानना? लेकिन तुझे जानने से पहले तूने सब खत्म कर दिया था। माय फुट। हाँ यार, दिमाग खराब करी है। 3 साल से मेरे साथ में रही, अभी जाना ही नहीं मेरे को। क्या लड़की है यार, तेरे को सब पता है। मैं कौन से कलर की चड्डी पहनता हूँ, कौन से कलर की बनियान पहनता हूँ, क्या लगाता हूँ क्या नहीं लगाता हूँ, सब पता है तेरे को। किस टाइम पे कहाँ जाता हूँ, कहाँ बैठता हूँ, एक एक चीजें पता है तेरे को। खेपड़ी को पता नहीं है तेरे को? खतर बाप की सोगन पता नहीं है तेरे को? पर मुझे ये नहीं पता ना कि तुझे लड़कियाँ कैसी पसंद है, जैसी मैं हूँ या नहीं हूँ। माय गॉड, वाओ। मेरे को पेट वाली लड़कियाँ पसंद नहीं है, जिसके पेट से पोंछ आ जाता है। हाँ, तो मेरा पेट बाहर। हाँ, इसको अंदर कर ले। मैं नहीं हूँ तो तुम जाओ अंदर कर ले। जाओ यहाँ से अंदर कर ले। मैंने कहा ना चला जा। चुबो दियो नाको। हाँ चला जा। नहीं जाऊंगा। चला जा यहाँ से। तेरा बाप का नाम? नहीं, चला जा। नहीं, तू जा यहाँ से। तू चला जा यहाँ से। मैंने कहा ना तू चला जा यहाँ से। तूने तो गिर गया मेरी नजरों में, चला जा। तू नहीं है उस लायक की तुझसे लड़की प्यार करे। तू एक बात एक शर्त पे चल जाऊंगा। तू सवाल अर्जुन, तू भाग, अर्जुन तू भाग, तू चला जा भाई, तू ऐसा बोल, फिर चल जाऊंगा। भाई बोलो तुझे। हां तो काय बोल रही? सेटिंग बोल दे, बॉयफ्रेंड बोल दे। भाई बोलो तुझे। अरे बॉयफ्रेंड बोल दे। भाई बोलो तुझे। अट मान छोड़। गाइस वो जा रहा है, उसको मैं बताऊंगी नहीं। अभी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी तब मैं उसको बताऊंगी कि मैं तेरे पे शूट कर रही थी। उससे पहले मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी।